जब भी हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो वी हैव अवर एविडेंस के हमने पेमेंट रिसीव की है, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज होती है कोई भी सीनियर ऑफिशियल पर्सन के थ्रू। इसी तरह जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो इनवॉइस हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, रिक्वेस्ट चेक रिक्वेस्ट फॉर्म हो, या एक्सपेंस क्लेम फॉर्म हो। जो भी एक्सपेंस बिजनेस में इंकर होगा उसका हमारे पास एक प्रूफ होगा कि पेमेंट हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास एक ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होगा, जिसके भी थ्रू अकाउंट में पेमेंट गई है, जो भी पेयर है उसकी पेमेंट रिकॉर्ड हुई भी होगी, और उस पे हमारा सिक्योर कंट्रोल होना चाहिए ताकि फ्रॉड के चांसेस क्या हो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंट्रोल्स हैं जो पेमेंट्स के हाँ पेमेंट्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दीज 4 पॉइंट्स। प्रोसीजर्स आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। अब जब भी कोई पेमेंट होगी हमारे पास इनवॉइस एज अ प्रूफ होगा। सेकेंडली, जो पेमेंट है वो ऑथराइज होगी कोई भी सीनियर या परचेजिंग डिपार्टमेंट अगर परचेजेस कर रहे हैं तो वो जो परचेज किए हैं गुड्स उसकी ऑथराइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी पर्सन के पास होगी। अब जब ऑथराइजेशन की बात आती है तो हर एक पर्टिकुलर बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड होती है कि इतने अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर होंगे हमारे पूरे बिजनेस में, और ये हमारी जो पेमेंट है ये पर्सन एक्स वाई जी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इसको ऑथराइज करने के लिए, ठीक है। नाउ चेक रिक्विजिशन फॉर्म्स क्या होते हैं? आर यूज व्हेन प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन सच एज इनवॉइस हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। चेक रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है कि अगर हमने इनवॉइस हमें रिसीव नहीं हुई लेकिन हमें उससे पहले अगर सप्लायर को पेमेंट करनी है तो हम ये चेक रिक्विजिशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, दैट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, और हम इनवॉइस से पहले हमें पेमेंट करनी होगी जब, तो हम ये फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो चेक रिक्विजिशन फॉर्म हेल्प टू इंश्योर ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो चेक रिक्विजिशन हमारी हेल्प करता है ऑथराइजेशन में और पेमेंट्स रिकॉर्ड करने में। मतलब बस इस सिंपल सी ये याद रखें कि चेक रिक्विजिशन फॉर्म हम जब इशू करते हैं या ये डॉक्यूमेंट जब यूज करते हैं जब हमें पहले पेमेंट करनी है और इनवॉइस हमें अब तक सप्लायर से रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। The pay invoice have not yet been received, although an invoice will follow later. Payment is required now. मतलब क्या है कि आपने invoice अभी रिसीव नहीं लेकिन पेमेंट पहले कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूज करेंगे वो चेक रिक्विजिशन फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अ चेक रिक्विजिशन फॉर्म सिंपली अ फॉर्म रिक्वेस्टिंग दैट अ चेक शुड बी ड्रॉन टू मेक अ पेमेंट, ठीक है। ये हमारा MCQs में इसकी डेफिनेशन आ सकती है, दैट्स ऑल। और ये एक हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस में। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो मिस ये हमारे पास एक चेक रिक्विजिशन फॉर्म का सैंपल गिवन है, डेट मेंशन हुई हुई है, पेबल टू अमाउंट, रीजन और सिग्नेचर्स और बाकी सारी चीजें मेंशन है। अच्छा, चेक रिक्विजिशन फॉर्म पे साइन होगा पर्सन का जिसने ऑथराइज किया पेमेंट, कोड होगा उसके साथ, जो भी डॉक्यूमेंट है सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो अटैच होगा, चेक अटैच होगा, ठीक है, और इनवॉइस उसके बाद हमें रिसीव होगी, यहाँ हम इशू करेंगे। एक्सपेंस क्लेम फॉर्म क्या होता है कि हमें पेमेंट करनी होती है कि इतने पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में हैं और हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंस क्लेम फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं कि रिपेयर एक्सपेंस हो सकता है, बिजनेस ट्रैवल एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर और मैगजीन की पेमेंट के हमें कॉस्ट जो भी है वो पे करनी है, तो ये सारे हमारे एक्सपेंस क्लेम फॉर्म में आते हैं कि बिजनेस में जो जो एक्सपेंसेस होंगे उसका एक एक्सपेंस क्लेम फॉर्म प्रिपेयर होगा कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इतनी अमाउंट ऑफ
पेमेंट्स हम जो भी करेंगे वो हम इस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ आ गई? फिर हमारे पास फिर आती है सॉरी टाइमिंग एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट। अ बिजनेस विल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू मेक पेमेंट्स इग्नोरिंग पेरोल एंड पेटी कैश। द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ पेमेंट आर बाय चेक एंड बाय ऑटोमेटेड ट्रांसफर। बिजनेसेस में पेमेंट या तो थ्रू चेक होंगी या तो हम डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सही है। अब अगर थ्रू चेक होती है तो आई टोल्ड यू कि चेक की क्लियरेंस में एटलीस्ट 3 to 4 days लगते हैं। तो उस टाइम पीरियड में चेक हम जब चेक देते हैं किसी को तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड के थ्रू, जैसे अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, तो वो हमारी पेमेंट जल्दी हो जाती है एज कंपैरेटिव टू चेक। हु डिसाइड्स डिसीजन अबाउट हु शुड बी पेड एंड वेन आर मेड बाय अ सीनियर पर्सन इन द कंपनी। हमेशा ये चीफ अकाउंटेंट डिसाइड करेगा कि किसको कब पेमेंट करनी है, इनवॉइस की पेमेंट कब करनी है। अगर इनवॉइस ओवर ड्यू हो जाती है तो हमें उससे जल्द से जल्द पेमेंट करनी, वरना हमारे सप्लायर के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। मिससेलिनियस पेमेंट्स होती हैं जो हमारे लाइक डेली बेसिस के एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। उसके अलावा अगर कोई हम जैसे अगर कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वो मिससेलिनियस पेमेंट में आ जाता है। जो रेगुलर ट्रांजैक्शन या रेगुलर बेसिस पे कोई एक्सपेंस इनकर नहीं हो रहा और हम पेमेंट कर रहे हैं वो मिससेलिनियस पेमेंट्स होती हैं, या आप कह सकते हैं अदर पेमेंट्स होती हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट क्या है? चेक, ऑटोमेटेड ट्रांसफर जिसको हम BACS कहते हैं, मैंने बताया था, इसको हम कहते हैं बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। इंटरनल इंटरनेट पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये बाकी मेथड्स ऑफ पेमेंट है। कैश, बैंकर्स ड्राफ्ट हमेशा मेथड ऑफ पेमेंट जब यूज होता है जब हम हाई वैल्यू की कोई पेमेंट कर रहे होते हैं, हाई वैल्यू या हाई अमाउंट की कोई पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम बैंकर्स ड्राफ्ट यूज करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट मैंने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है फिक्स्ड पेमेंट्स के लिए, जैसे कि हमने रेंट पे कर दिया तो ये फिक्स्ड पेमेंट है, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। इसके लिए हम मेथड ऑफ पेमेंट जो यूज करते हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। डायरेक्ट डेबिट जब यूज होता है जब हम वेरिएबल पेमेंट्स करते हैं, मतलब जैसे कि अगर हमें कमीशन बेस किसी की सैलरी है तो उसके लिए हम डायरेक्ट डेबिट मेथड ऑफ पेमेंट जो है वो डायरेक्ट डेबिट यूज करेंगे। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू आस्क मी। राबेल अब्दुल रहमान, एनी इशू? तूबा? ओके, नो मैम नो मैम। ओके, पेमेंट्स बाय कैश। कैश के थ्रू जो पेमेंट्स होती हैं, अगर स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, मैंने ये हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स जो भी होंगी वो पेटी कैश के थ्रू होती हैं। और वेजेस जो पेमेंट वेजेस की पेमेंट होती है वो जो डिपार्टमेंट हैंडल करता है इसको उसको हम कहते हैं पेरोल डिपार्टमेंट। सही है। अब जो भी कैश बिजनेस में है वो हमेशा सिक्योर जगह पे होना चाहिए, ठीक है। कैश लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, हमारा कैश पे कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी पेमेंट हो रही है, कोई भी रिसिप्ट है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। पेमेंट्स बाय चेक हम करते हैं तो हम पहले चेक प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, ठीक है। मोस्टली करंट अकाउंट जो हम रेगुलर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक डिपॉजिट सेफ डिपॉजिट अकाउंट होता है जो हम सिर्फ अपने पैसे डिपॉजिट करा के रख देते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब हमारे जो चेक बुक्स हैं बिजनेस की, हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चेक बुक्स हो, क्योंकि अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ चेक बुक्स नहीं होंगी तो हमारे जो है चेक बुक्स मतलब जो चेक्स हैं वो मिसप्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जो चेक बुक है वो एक सेफ प्लेस पे होनी चाहिए और लॉक ड्रॉअर में हमें रखनी है, ठीक है। जो चेक पे हम सिग्नेचर कर रहे हैं वो प्रॉपर उस पर प्रॉपर साइन होना चाहिए, वरना चेक कैश नहीं होगा, ठीक है। और 2 ऑथराइज सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी बिजनेस के चेक पे। सही है। अब जब भी हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लिस्ट ऑफ पेमेंट्स हम देखें बिजनेस में कि क्या है
ऑथराइज और सफिशिएंट फंड्स, ऑथराइज तो एक पहले होनी चाहिए हर ट्रांजैक्शन के, ऑथराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे अगर मैंने चेक किसी को 2 लाख का चेक दिया, तो मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि चेक प्रोसेस हो जाए, माना चेक बाउंस होने के चांसेस हैं। और हम ये भी अपने पास रिकॉर्ड रखें कि हमने कौन सी इनवॉइस की पेमेंट करी है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल विद। चेक्स प्रिपेयर करेंगे, उस पे नेम ऑफ पर्सन होगा, अमाउंट होगी, डेट होगी, ठीक है, इन वर्ड्स भी लिखते हैं और इन फिगर्स हम लिखेंगे। जिस की पेमेंट करें उसको अटैच करेंगे चेक के साथ, और रेमिटेंस एडवाइस एक डॉक्यूमेंट है जो अटैच करेंगे, और फिर मार्क कर देंगे इनवॉइस को एज पेड, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास टाइमिंग ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है, जब हम पेमेंट कर रहे होंगे तो चांसेस हैं कि हम डिस्काउंट अवेल करने के लिए सप्लायर को जल्दी पेमेंट करें ताकि हमें कैश डिस्काउंट मिल जाए और हमें कम पेमेंट करनी पड़े। दो तरह के डिस्काउंट है, एक ट्रेड और एक कैश। कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे होते हैं, मतलब जल्दी पेमेंट करते हैं ताकि हम डिस्काउंट अवेल कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ चेक पेमेंट, चेक्स आर कन्वीनियंट टू यूज फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, ठीक है, हम चेक्स यूजुअली कोई भी हम अमाउंट पे करनी होती है तो हम चेक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक काउंटर फॉइल एंड चेक नंबर कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ यूजफुल मेथड फॉर ट्रेसिंग। चेक काउंटर फॉइल या चेक नंबर के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि पास्ट में हमने ये कितने चेक्स किसी को दिए हैं या कितनी पेमेंट्स कर चुके हैं, उससे हम इजिली ट्रेस कर सकते हैं। ये दो इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हाई होती है यहाँ पर, क्योंकि थेफ्ट के चांसेस ज्यादा हैं। अगर कोई चेक साइंड चेक मिसप्लेस हो गया तो फिर बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और चेक इज कैन बी स्लो मेथड ऑफ पेमेंट, सही है। लॉस चेक क्या है कि हमने किसी को चेक दिया, पोस्ट के थ्रू हमने चेक भेजा है, चेक लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम स्पेशली क्या कर रखें कि हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो कि हमने इतनी अमाउंट पे की, इस डेट को पेमेंट की, और अपने चेक्स को सेफली जिस भी पर्सन को हमें देना है उसको हम सेफली जाके दें, सही है। अच्छा, अब स्टॉपिंग चेक्स क्या है। स्टॉपिंग चेक्स बेसिकली होता है कि अगर हमने किसी को चेक दिया और वो 6 मंथ्स बनाना चेक है और वो हम जाके कैश करवा रहे हैं, तो बैंक इस चेक को कंसिडर करता है स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब क्या है कि ये चेक अब एक्सेप्ट नहीं हो, ये आउट ऑफ डेट है, ठीक है। कोई भी 6 मंथ्स पुराना चेक आप जाके नहीं कैश करवा सकते, द बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी चीज, स्टॉपिंग चेक ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी को चेक दे दिया और आप बाद में आपसे आपके उनसे एग्रीमेंट जैसे खराब हो गए, जैसे आपने सप्लायर एक डिसाइड किया उससे गुड्स परचेज करें, बट आपको कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि यहाँ हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, हम एडवांस पेमेंट करें तो वहाँ उस केस में जो है आप ये कर सकते हैं कि बैंक को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे या रिटर्न फॉर्म में बताएंगे कि आप ये चेक स्टॉप कर दें, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हम चेक रुकवा देते हैं किसी को भी चेक दे के इशू करके, वो बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, बैंक उस चेक को स्टॉप कर देते हैं, अमाउंट ट्रांसफर नहीं होते, उसको हम कंसिडर करते हैं स्टॉप चेक्स, ठीक है। ये सब जनरल नॉलेज है जो आपके, सिर्फ आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। मेरे स्टॉप चेक की जो मेन जो उसकी डेट होती है वो 6 मंथ्स तक की होती है क्या? उससे एक्सीड नहीं कर सकते क्या? हाँ, 6 मंथ्स ओल्ड चेक एक्सेप्ट नहीं करता बैंक, मतलब ऐसे जून जैसे जून का चेक है और आप दिसंबर में जाके कैश कराएंगे, बैंक उसको कंसिडर नहीं करेगा, बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको स्टेल चेक कहते हैं। और मैं अगर चेक की अगर जो डेट है वो 6 मंथ से ज़्यादा की हो तो फिर तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, वही कह रहे 6 मंथ या उससे ज्यादा, विद इन 6 मंथ वाले कैश हो जाएगा, ठीक है। ओके मिस। डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर्स वर मेंशन इन चैप्टर 6 एज अ मींस ऑफ व्हिच पेमेंट माइट बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर। बैंक और डायरेक्ट क्रेडिट्स कैन बी यूज्ड बाय बिजनेसेस टू मेक पेमेंट। अब बैंक डायरेक्ट क्रेडिट्स क्या है,
ये बेसिकली एक मेथड ऑफ पेमेंट ही है कि ये बिजनेसेस यूजुअली यूज करते हैं जो जो पेमेंट करने के लिए अपने सप्लायर को, ठीक है, ये फॉर्म की तरह ही आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें बैंक क्रेडिट, ये एक पेमेंट स्लिप है जिसमें हम लिख रहे हैं कि हम कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। ये जैसे हमारे पास बाकी मेथड ऑफ पेमेंट, ऐसे ही बैंक गायरो क्रेडिट या क्रेडिट ट्रांसफर एक मेथड ऑफ पेमेंट है। सही है, इसकी एक सर्टेन फीस होती है जो बैंक चार्ज करता है, उसके थ्रू फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला है? ओके ओके, पेमेंट बाय बैंकर ड्राफ्ट और सप्लायर माइट सम टाइम आस्क अ कस्टमर टू पे बाय बैंकर्स ड्राफ्ट और ड्राफ्ट बैंकर्स ड्राफ्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और कैंसिल आफ्टर इट हैज बीन इशूड। ये पॉइंट एक याद रखिएगा, बैंकर्स ड्राफ्ट हमेशा हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पे, हाई वैल्यू ऑफ हाई अमाउंट पे यूज होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बैंकर्स ड्राफ्ट कैंसिल नहीं हो सकते, जैसे चेक हम कैंसिल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, बैंकर्स ड्राफ्ट हम एक बार इशू कर दिया उसके बाद ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके नाउ एग्जाम्पल। अच्छा, अब स्टैंडिंग मैम, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसी के ऊपर, चेक के ऊपर ही इश्यू होगा ना? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंकर्स ड्राफ्ट, ये बैंकर ड्राफ्ट, ये वही चीज, चेक की, चेक की फॉर्म है ना ये? नहीं देखें, चेक तो होता है, एक सर्टेन अमाउंट होती है, लिमिट होती है, जैसे आप 50,000 या फिर 5 लाख का मैक्सिमम चेक दे सकते हैं, मिनिमम अमाउंट उसके ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। बैंकर्स ड्राफ्ट हाई वैल्यू ऑफ पेमेंट्स के लिए होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी की पेमेंट हम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 35 लाख, तो उसके लिए बैंकर्स ड्राफ्ट बनता है, उसके लिए बैंकर्स ड्राफ्ट इशू करते हैं हम, हाई अमाउंट के लिए ओके मैम, बैंकर्स ड्राफ्ट, ठीक है। और ये कैंसिल और ये स्टॉप नहीं करा सकते, चेक अलग है, बैंकर्स ड्राफ्ट अलग है। ओके मैम, अच्छा, अब ये दो मेथड्स हैं, ये एमसीक्यूज में आता है दोनों चीजें, कि स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल पेमेंट्स के लिए होता है, और स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट। अब फिक्स पेमेंट्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रेंट हो गया, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज भी क्या होती है, यूजुअली फिक्स्ड होती है। तो उसके लिए एक एसओ फॉर्म होता है या स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्म होता है जो हम फिल करते हैं और बैंक पास सबमिट करा देते हैं। फिर बैंक जो है हर महीने हमें एक कंफर्मेशन कॉल देगा कि हम पे कर रहे हैं आपकी इस पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, हम पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। कंफर्मेशन लेने के बाद पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आपने देखे होंगे वेबसाइट्स पे होते हैं, कि अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ली है, फॉर एग्जाम्पल जूम की सब्सक्रिप्शन अगर मैं 3,000 पे कर रही हूँ, 3,500 पे कर रही हूँ पर मंथ, ठीक है, तो हर मंथ जो मेरी अकाउंट डिटेल्स मैंने जिस कार्ड के थ्रू पेमेंट की है, हर मंथ मेरे पास एक जो अमाउंट है वो कैंसिल, मतलब डिडक्ट हो जाएगी मेरे अकाउंट से, ठीक है, और मेरे पास ईमेल आ जाएगी कि जूम की पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है। तो वो यहाँ इस केस में जूम की जब तक मैं कैंसिल नहीं कराऊंगी सब्सक्रिप्शन, तब तक ये चलती रहेगी, वो स्टैंडिंग ऑर्डर है एक तरीके से, फिक्स्ड पेमेंट है। लेकिन ये ऑटोमेटेड हो रहा है, ठीक है, वहां मैनुअल कैसे होता है वो हम फॉर्म और अकाउंट नंबर्स एम्प्लॉयज के जैसे देते हैं बैंक को, बैंक फिर पैसे ट्रांसफर करता है। तो हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट्स के लिए क्या करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर यूज कर सकते हैं। अब रेगुलर पेमेंट्स फ्रॉम इट्स अकाउंट, मतलब हर रोज मंथली बेसिस पे पेमेंट हो रही है, फिक्स्ड अमाउंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच पेमेंट, मतलब कब कब पेमेंट करनी है, मतलब जैसे 10th को मैंने दे दिया हुआ है ना, 10th डेट दी है, तो हर 10th को जो है मेरी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी मेरे अकाउंट से। और हम सप्लायर को डिटेल, वो सॉरी बैंक को डिटेल्स दे देंगे कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफर करने, ठीक है। अ स्टैंडिंग ऑर्डर रिक्वेस्ट कुड बी, ये एमसीक्यूज में आते हैं,
अ स्टैंडिंग ऑर्डर रिक्वेस्ट कैन बी सेंट इन अ लेटर, बट बैंक मस्ट ऑल्सो ऑल्सो सप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म दैट कैन बी यूज इंस्टेड. उस फॉर्म को हम स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर्म भी कह सकते हैं और स्टैंडिंग ऑर्डर मैंडेट्स भी कह सकते हैं. जो मैंने एसओ फॉर्म लिखा है ये स्टैंडिंग ऑर्डर मैंडेट्स भी कह सकते हैं इसको हम. ठीक है नाउ डायरेक्ट डेबिट, वेरिएबल पेमेंट्स, ये भी रेगुलर पेमेंट्स है लेकिन ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स के लिए होती है, मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे हम इसको पे करते हैं. ठीक है, जैसे कि टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, ये सब हमारी वेरिएबल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स हैं जो हम ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ द मंथ पे करें. इफ अ कंपनी डिसाइड वॉन्ट टू पे सम ऑफ इट्स बिल्स बाय डायरेक्ट क्रेडिट, इट मस्ट फिल इन डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन. और उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन, जो हम बैंक को फिल करके देते हैं. यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज डू लेट मी नो. नो राबेल, अब्दुल रहमान, बहाज, एनी इशू? नो ठीक है, फिर ये एक एग्जाम. अच्छा, ये इन्होंने सिंपल सी वही बात बताई है कि अगर हम कोई चेक सप्लायर को इशू कर रहे हैं तो हम रेमिटेंस एडवाइस उसके साथ अटैच करके देते हैं जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि किस पर्टिकुलर इनवॉइस की पेमेंट हो रही है, किस सप्लायर को पेमेंट हो रही है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस अमाउंट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर. ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 8. ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया. 9 डिस्कस करने के बाद, चैप्टर 9 बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है. देखें, जब हम अब हम इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 11 बेसिकली, वो इन सारे चैप्टर्स को समराइज करके एक वही चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन है, जिसमें रिकन्सिलिएशन है. देखें, मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि हमारे पास एक होता है बैंक अकाउंट जो हम, या कैश बुक जो हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एक होती है बैंक स्टेटमेंट जो बैंक प्रिपेयर कर रहा है. अगर मेरे पास कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 20,000, तो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट भी बैलेंस होना चाहिए 20,000, पर ऐसा नहीं होता ड्यू टू एरर्स. ठीक है, ये सेम नहीं होते कि ड्यू टू सम एरर्स, वो एरर्स हम करेक्ट करेंगे, लेकिन जो हम इन एरर्स को करेक्ट करके बैलेंस को मैच कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रिकनसाइल. रिकनसाइल का मतलब क्या है, दोनों के बैलेंसेस को मैच करना. ठीक है, अब वो रिकनसिलेशन मैं आपको चैप्टर 11 में बताऊंगी कैसे होती है. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम अपनी पेमेंट्स पे कंट्रोल किस तरह रख सकते हैं. समवन हु मेक एन अनऑथराइज पेमेंट विल वॉन्ट द पेमेंट टू बी हिडन बाय द नेचर ऑफ पेमेंट टू बी हिडन. देखें, ऐसा हो सकता है कि कोई स्टाफ मेंबर, कोई एम्प्लॉय पेमेंट तो कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है लेकिन वो रीजन छुपाना चाहता है कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है. जैसे अगर उसने अपने फ्रेंड को फॉर एग्जांपल बिजनेस से पैसे निकाल के दे दिए, तो वो उसमें नेचर ऑफ पेमेंट हाइड कैसे कर सकता है कि वो उसको सेल्स का नाम दे दे, राइट? तो अगर पेमेंट ऑथराइज नहीं है तो कोई भी किसी भी तरह से फ्रॉड हो सकता है. सारी पेमेंट्स ऑथराइज होनी चाहिए, हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास एक प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए. थर्ड, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉड को, कि हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अप्लाई करें अपने बिजनेस में. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है, कि एक पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट इश्यू करना है. ये सारी ड्यूटीज जब डिवाइड होंगी, डिविजन यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड, सेग्रीगेशन का मतलब है ड्यूटीज डिवाइड होंगी तब फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे. हर पर्टिकुलर डे के एंड पे या मंथ के एंड पे जितनी भी अनयूजुअल पेमेंट्स हुई हैं उसके बारे में सीनियर मेंबर को बताया जाए, और ये भी बताया जाए कि हमने पेमेंट्स क्यों करी, रीजन क्या था, सारी चीज. मिनिमम नंबर ऑफ चेक बुक्स यूज करें, प्रेफरेबली ओनली वन. ठीक है, वी कैन यूज ओनली वन चेक बुक ताकि हमारे पास चेक मिसप्लेस होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाए. अब जो भी पेमेंट रिकॉर्ड हुई है वो कंप्लीट हो,
अगर हमारी पेमेंट्स जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा फिर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। रेगुलर बैंक बैंक रिकन्सिलेशन, हम बैंक रिकन्सिलेशन फ्रिक्वेंटली करें, हम ये देखें कि बैंक में कितना अमाउंट है, कैश बुक में कितनी अमाउंट रिकॉर्डेड है और बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट रिकॉर्डेड है। सारे चेक सीक्वेंस में इशू हो, ठीक है, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो ही सारे अपने काम कर रहा हो, मतलब कोई थर्ड पर्सन उसके वो उस जो टास्क करता है वो थर्ड पर्सन अगर कर रहा है कोई रीजन की वजह से तो वो हम इन्फॉर्म करें, ठीक है। अच्छा आई थिंक समवन लेफ्ट, वेल ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में। पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, कैश बुक को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कितनी तरह की परचेजेस हो रही हैं बिजनेस में, ठीक है, कितने हम कब कब सप्लायर से पेमेंट्स ले रहे हैं, पेमेंट्स को स्प्लिट किस तरह करना है सेपरेट सेगमेंट्स में, अगर कोई नॉन करेंट एसेट खरीद रहे हैं उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करें। हमारी कैश बुक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस में उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, एक एक पेमेंट को हमें रिकॉर्ड करना है ताकि हमारे पास फ्रॉड के चांस क्या हो मिनिमाइज हो जाए। कोई डिस्काउंट रिसीव करें वो अलग कैश बुक में रिकॉर्ड करें। अच्छा एक और चीज, ये सब मैं हम जो पेमेंट्स करते हैं कैश परचेजेस होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, सेल्स टैक्स होता है, ठीक है, फिर ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, चेक्स के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। एक चीज रखिएगा, जो कैश बुक आपके एग्जाम में नहीं आती लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये कैश बुक में ये राइट हैंड साइड होगी क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम होता है डेबिट पे डिस्काउंट अलाउड का, बैंक का, कैश का, इसको हम रिसिप्ट भी कह सकते हैं कि रिसिप्ट साइड पे, और दूसरी साइड जो हमारा कॉलम होता है वो होता है, अच्छा यहाँ डिटेल्स भी लिखते हैं ना, आइटम या जो भी है ट्रांजैक्शन, डेट या डिटेल्स आप कह सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक और कैश। आपको बस याद क्या रखना है, ये जो हमारी पेमेंट साइड है वहां पर हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, जो हमारी रिसीव करते हैं हम अमाउंट रिसिप्ट साइड है उस पर डिस्काउंट अलाउड होता है, ठीक है। ये मैंने अभी क्लास में एक क्वेश्चन कराया था उसमें पूछा था किट में कि डिस्काउंट रिसीव किस साइड पर रिकॉर्ड होता है, तो आप याद रखिएगा पेमेंट साइड पर डिस्काउंट रिसीव होता है कैश बुक की, और रिसिप्ट साइड पर डिस्काउंट अलाउड होता है, इसको लिख लिया हमने पास। अच्छा हम कैश बुक में सारे कॉलम्स ऐड करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ कैश, कितना अमाउंट ऑफ कैश हमारे पास है, बैंक में कितने पैसे हैं, ठीक है टोटल, फिर वो टी अकाउंट में पोस्टिंग हो, हम क्या करते हैं उसके बाद, आप वो सारी जो साइकिल है वही यहाँ बताइए, इसमें से कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स, आई होप सो आप लोगों को याद है कि किस तरह प्रिपेयर होते हैं, बैलेंस होते हैं। अब जो पेमेंट रिकॉर्डिंग होती है वो हम पहले मैन्युअली करते थे, अब हम शिफ्ट कर चुके हैं कंप्यूटराइज सिस्टम पे, तो कंप्यूटराइज सिस्टम में पेमेंट आसानी से हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती है, सारे सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन, सारे रिसीवेबल्स की इंफॉर्मेशन हम इजीली रिकॉर्ड कर लेते हैं, सप्लायर कोड नंबर, अमाउंट टू बी पेड, डेट, ये सब हमारे लेजर्स में रिकॉर्ड हुआ होता है, कंट्रोल अकाउंट आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। कंप्यूटराइज कैश बुक विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली, डेटा एंटर करेंगे और हमारी जो कैश बुक है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ऑटोमेटेड क्रेडिट सिस्टम्स क्या होते हैं कि हम जो मेथड्स यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट एंड रिकॉर्डिंग द पेमेंट्स, तो वो ऑटोमेटेड हैं जिसकी वजह से पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है, सब कंप्यूटर पे हो रहा है, सारी चीजें सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रही हैं।
फिर इन्होंने स्टेप्स बताए कि अगर एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, सारी इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉय की है वो बैंक को दें, फॉर्म फिल करें, चाहे वो डायरेक्ट डेबिट का फॉर्म है या स्टैंडिंग ऑर्डर का फॉर्म है, और आप वो बैंक को सबमिट करें, बैंक आपके बेसिस पे पेमेंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कर देगा ऑन योर बिहाफ। ठीक है, फिर ये हमारे पास है। देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द टू स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली व्हेन दे हैव प्रेजेंटेड एट अ बैंक, बिकॉज इट इज ओनली देन दैट पेमेंट इज मेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। नहीं, ऐसा नहीं होता। कैश बुक में हम वो सारी पेमेंट्स लिखते हैं, इसमें लिखा है चेक पेमेंट्स ओनली। देखिए, चेक पेमेंट्स भी हो या रेसिप्ट हो, दोनों चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि चेक बुक में हम सिर्फ पेमेंट्स, कैश बुक में हम सिर्फ पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे। वेदर इट्स रिसिप्ट और पेमेंट, वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, और स्टैंडिंग ऑर्डर भी हमारे पास दोनों में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में भी, और बैंक भी इसको अपने पास बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगा। सो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ये समझ आ गया सबको? इस क्वेश्चन में किसी को इश्यू है कोई? मिस नो मिस है ना यहाँ पर या सो रहे हैं? किचन में नहीं नहीं मैं सबसे पूछ रही हूँ। नहीं जाग रहे। नो मैम ओके okay. अच्छा, अब मुझे बताएं, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर्स क्लियर हो गए हैं आप लोगों को? ठीक यस मैम है, राबे ले यू। यस मैम ओके okay. अच्छा, मुझे अब डिस्कस करना है। मुझे पहले ये बताइए, आप लोग सबके साथ मैं चैप्टर 7 से 10 डिस्कस कर चुकी हूँ, सेक्शन बी सब टीचर 7 और 10 ही हुआ। 7 और 10 नहीं हुआ है। ठीक है, आज मैं आपसे फिर व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करती हूँ, बाकी सब मुझे बताएं। अगर ये कंप्लीट हो चुका है, चैट बॉक्स में आप लिखते हैं यस और नो। सबके साथ मैं ये चैप्टर 7 से 10 कंप्लीट कर चुकी हूँ सेक्शन बी के, सिर्फ चैप्टर 11 रह गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो मिस, मेरा भी 10 और 11 रहता है, 10 रहता। अच्छा, जिनका 10 और 7 रहता है, आई बी प्रोवाइडिंग विद द रिकॉर्डिंग। ठीक है, चैप्टर 10 हम पेटी कैश वाला, मुझे याद है कि हम ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं, जिसका रह गया है वो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप जो है वो उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, चैप्टर 11 मैं करवाऊंगी और उसके साथ साथ मैं किट प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को, सही है, नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको बता दूंगी, मे बी आई कीप एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू गाइस। ठीक है, मुझे ये कंप्लीट करना है कोर्स जो है बिफोर 25th एनी हाउ, ताकि आप लोग अपनी पेपर की प्रेपरेशन स्टार्ट करें। और अब्दुल रहमान और राबे, सिर्फ आप लोगों के साथ मेरा सेक्शन सी के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम चैप्टर 11 और सेक्शन सी के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, सेक्शन सी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगी विद इन द कमिंग वीक। ठीक है, आप लोग अपनी पेपर की प्रेपरेशन स्टार्ट करें, और मुझे सेक्शन वाइज जो टेस्ट मैंने आपको प्रेपरेशन के लिए दिए हुए टॉपिक्स उसको प्रिपेयर करके मुझे जल्द से जल्द टेस्ट दें। ठीक है, ओके मैम। ओके देन गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी किसी मैम का लेक्चर क्वेश्चन? के बाद 5 मिनट चाहिए थे आपके। या श्योर, ऑल ऑफ यू कैन लीव, बाहर यू कैन लीव नाउ।